किराना व्यापार का भुजरिया मिलन समारोह समस्त किराना व्यापार संघ फुटकर किराना थोक किराना और डिस्ट्रीब्यूटर संगठन द्वारा समारोह का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें फुटकर किराना संघ के अध्यक्ष सुरेश मोतियानी और थोक किराना के अध्यक्ष राजेश जैन और डिस्ट्रीब्यूटर संगठन के अध्यक्ष राजीव अग्रवाल, जिसमें तीनों संगठन के सदस्य व्यापार महासंघ के अध्यक्ष मुन्नालाल जैन एवं समस्त पदाधिकारी शामिल हुए। इनको मन से उतार दिया था, मुख्यमंत्री थे। ऐसा जजवाल आओ तो व्यापारी की हिफाजत कर पाओगे। जय जय भारत, जय व्यापारी। हमारे किराना संघ के अध्यक्ष सुरेश मोतियानी जी और हमारे डिस्ट्रीब्यूटर संघ अध्यक्ष राजीव वीर सिंह जी जनपद अध्यक्ष हमारे बीच में पधार चुके हैं। मैं हमारे विश्वनाथ जी से निवेदन करूं उनके मंच पर लेकर कुछ ऐसा ओपन तो नहीं बोल रहा, लेकिन जो भी आप उनकी मदद आगे भविष्य में करते रहे तो मुझे चाहता हूं कि उनकी मदद होते रहे, जिससे कि उनका रोटी रोजी, क्योंकि संघर्ष का समय चल रहा है। अभी बड़े बड़े जो पहले ये किराना संघ हमारा बहुत बड़ा संघ है, लगभग 1000 से 1200 व्यापारी, लेकिन रजिस्टर्ड अभी क्योंकि पिछले 3-4 साल से हमने सदस्यता अभियान नहीं करा है, तो रजिस्टर अभी हमारे 300 व्यापारी हैं। और चूंकि बारिश कल रात से ही बहुत हो रही है, इसलिए अधिकतर छोटे व्यापारी हैं, तो कार्य बहुत कम है लोगों के पास। बारिश जैसे थमेगी निश्चित तौर से यहाँ उसमें नगर पालिका किसी भी ग्राहक को या किसी भी किराएदार को टाइटल ट्रांसफर नहीं कर सकती, नगर पालिका हमेशा मालिक रहेगी। निशानी हो सफाई के मामले में, सड़क के मामले में, नालियों के मामले में, तो आप उनके साथ बैठ के स्वार्थपूर्ण वातावरण में चाय के साथ वो आपको पूरा बताएंगे, समझाएंगे, और आप वहां जो समझेंगे वो इस मंच पे अपन नहीं समझ पाएंगे। कृपया इस बारे में अपन आरोप प्रत्यारोप का काम इस मंच पे न करें, और मैं वापस राजेश जैन साहब को ये संचालन दे रहा हूँ। स्थान पर आप चले जाएं, नगर पालिका के चैम्बर में चले गए, कभी आपको समय निर्धारित हो जाएगा, आपके साथ बैठ के चाय पानी बिस्किट होगा और आपसे छुटते हैं। मेरी राकेश भाई से एक दो बार और भी बात हुई है, उनका ही हमेशा ये कहना था कि आपको सड़क बनवाना है, नालियां बनवाना है, रोड को चौड़ा करना है, सफाई करना है।